दोस्तों आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। अपना टीम चेन्नई तो 6 क्रिकेटर को रिलीज कर चुके हैं। दोस्तों काल का वीडियो में मैंने आप लोगों को शेयर किया था, शेन वाटसन जिन्होंने सन्यास लिया है, फिर दोस्तों वज जी और हरभजन सिंह जी को रिलीज कर दिया है, फिर दोस्तों केदार जाधव को रिलीज करना ही था वो भी रिलीज हो चुका है, फिर दोस्तों पीयूष चावला को खरीदा गया था और बहुत ज़्यादा पैसा फेंक कर खरीदा गया था, दोस्तों इनको भी रिलीज कर दिया है, फिर दोस्तों जो क्रिकेटर अच्छा प्रदर्शन बिल्कुल भी नहीं कर रहे थे मनु कुमार और साथ में मुरली विजय को भी चेन्नई सुपर किंग रिलीज कर दिया है। अब दोस्तों सबसे बड़े सवाल सामने निकल के आ रहा है यार, 6 क्रिकेटर, 5 डोमेस्टिक और 1 इंटरनेशनल, तो कौन कौन प्लेयर को चेन्नई सुपर किंग टारगेट कर रहा है, खरीदेगा? अब दोस्तों काल मैंने जो डिटेल्स वीडियो बनाया था वहाँ पे मैंने दिखाया था टोटल हर एक टीम कौन कौन क्रिकेटर को रिलीज किया है। इंटरेस्टिंग मेरे को लगा रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का जो रिलीज लिस्ट है, यहाँ से मेरे को बहुत अच्छा आइडिया हो गया ये एक क्रिकेटर के ऊपर भी हर टीम ऑब्वियसली चेन्नई सुपर किंग जाने वाले हैं। दोस्तों चलिए एक एक प्लेयर वाइज मैं आपको बता सकता हूँ कौन से क्रिकेटर को खरीदना सही होगा, ठीक है? तो दोस्तों ये तो मैं ज़रूर शेयर करूंगा, फिर दोस्तों कल जो चीज़ मैंने मिस किया था आप सबका महत्वपूर्ण कमेंट ज़रूर आज रिप्लाई दूंगा। सबसे पहले दोस्तों अगर यहाँ पे केदार जाधव का रिप्लेसमेंट ढूंढा जाए तो दोस्तों केदार जाधव का बहुत सारे रिप्लेसमेंट हो सकते हैं। सबसे पहले जो अच्छे विकल्प हो सकता है वो हो सकता है दोस्तों 27 साल का शिवम दुबे, रॉयल चैलेंजर बैंगलोर उनको रिलीज कर दिया है। आखिर क्यों? पहले कारण दोस्तों मुंबई टीम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अच्छा नहीं किया, फिर भी दोस्तों हर एक मैच में शिवम दुबे ने अच्छे रन बनाया है। लास्ट मैच मुंबई ने जीता है और किसके बलबूते पे जीता है? शिवम दुबे के बलबूते पे। उन्होंने 23 गेंदों का सामना करते हुए 51 रन बनाया जिसमें उनका 4 छक्का शामिल था। ऐसे में तो दोस्तों शिवम दुबे को जब आरसीबी ने खरीदा था तो देखा था उन्होंने 5 बॉल में 5 छक्का भी जड़ा था, और ये तो मेरे से बेहतर आप जानते शिवम दुबे भारतीय क्रिकेट टीम का T20 और ODI टीम का हिस्सा भी थे, है ना दोस्तों? जरूरत पड़े तो ये बहुत ही शानदार बॉलिंग भी कर सकता है। ऐसे आपको शायद याद होगा एक मैच जहाँ पे भारत और इंग्लैंड के बीच में खेला जा रहा है, मैच में शिवम दुबे ने लास्ट ओवर में बॉलिंग करके टीम को विजेता भी बनाया था। तो शिवम दुबे केदार जाधव का एक बहुत बड़े विकल्प हो सकता है। नहीं तो दोस्तों अगर और कोई प्लेयर की तरफ जाना चाहता है चेन्नई सुपर किंग तो करण नायर के पास जा सकता है। करण नायर भी ठीक ठाक प्लेयर है, हाँ ये मैं मानता हूँ टेस्ट प्लेयर है, बट हाँ आपको ये खिलाड़ी के ऊपर भरोसा रखना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों जो नाम आ सकता है दोस्तों हो सकता है हनुमा बिहारी, जानते हैं दोस्तों 2020 IPL उन्होंने नहीं खेला था क्योंकि टेस्ट प्लेयर है, IPL क्या खेलेगा ऐसे लोगों को लगता है, बट अगर आपको टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो जाए मिडिल ऑर्डर को अच्छे रन बनाना है तो दोस्तों हनुमा ने जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया में प्रदर्शन किया है तो ज़रूर चेन्नई सुपर किंग का होके भी कर सकता है, क्योंकि दोस्तों हनुमा का अगर आप टेस्ट में एवरेज देखेंगे तो 60 के पास है, काफ़ी अच्छे प्लेयर है। दोस्तों मैंने 3 नाम बताया, करण नायर, हनुमा बिहारी और शिवम दुबे, इन तीनों में से आपका पसंदीदा कौन है केदार जाधव का रिप्लेसमेंट जरूर बताइए। और एक चीज़ अगर आपको और कोई भी क्रिकेटर का नाम लगता है तो वो भी जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा, अगले वीडियो में जरूर मैं शेयर करूंगा। दोस्तों यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग पीयूष चावला को रिलीज किया है, दोस्तों पीयूष चावला की जगह पे कौन हो सकते हैं? दोस्तों ऑब्वियसली जुबा टैलेंटेड क्रिकेटर को मौका देना चाहिए जिनको भारतीय क्रिकेट टीम का टीम में खेलने का अनुभव है, तो दोस्तों यहाँ पे मैं शेयर करना चाहूँगा यहाँ पे पवन नेगी के साथ जा सकता है CSK टीम। ऑब्वियसली पवन नेगी बहुत कम मैच खेला है वर्दी क्रिकेट टीम का होके, बट हाँ दिल्ली टीम इस बार जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अच्छे प्रदर्शन कर रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे नीतीश राणा के साथ पवन नेगी ये अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में बहुत सारे मैच में खेलने के अनुभव है, पहले वो दिल्ली टीम का होकर खेलता था, फिर दोस्तों रॉयल चैलेंजर बैंगलोर का होकर भी खेला है। मेरे को लगता है RCB टीम उनको ज़्यादा मौका नहीं दिया, कंसिस्टेंसी उनके ऊपर नहीं दिखाया जिनकी वजह से शायद ये दिक्कत आया, तो हो सकते हैं पवन नेगी के पास जा सकता है, नहीं तो ऑब्वियसली डोमेस्टिक से दूसरा कोई क्रिकेटर और यहाँ पे निकल के आ सकता है। अगर आपके पास भी और कोई विकल्प है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट नाम आता है मुरली विजय, मुरली विजय को भी चेन्नई सुपर किंग रिलीज कर दिया है, क्योंकि दोस्तों ऑब्वियसली मुरली विजय टेस्ट प्लेयर थे, पिछले 2-3 सीजन में उनका प्रदर्शन ठीक नहीं रहा था, तो उनकी जगह पे कौन हो सकते हैं? दोस्तों यहाँ पे भी चेन्नई सुपर किंग डोमेस्टिक क्रिकेटर को ढूंढ रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ पे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के ऊपर भी चेन्नई सुपर किंग का मैनेजमेंट का बहुत ज़्यादा नज़र है। एक दोस्तों मैं आपको बता दूँ केरला टीम में इस बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में अच्छा प्रदर्शन करने वाले मोहम्मद अजहरुद्दीन जिन्होंने दोस्तों 37 गेंदों में शतक जड़ा था, इनके ऊपर भी नज़र हो सकते हैं। नहीं तो दोस्तों AA वरत,
ये पोंडिचेरी का प्लेयर है जिन्होंने 53 गेंदों का सामना करते हुए दोस्तों 130 रनों की पारी खेला था। तो ये सारे डोमेस्टिक टैलेंट जिनका उम्र 25 से कम है इनके ऊपर भी चेन्नई सुपर किंग का नजर है और ये मुरली विजय का रिप्लेसमेंट के रूप में है। फिर दोस्तों यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग मनु कुमार को रिलीज किया है तो इनके जगह पे भी एक बहुत ही अच्छे फास्ट बॉलर को खरीदेगा। लुकमन मेरीवाला जो दोस्तों बड़ौदा टीम का होकर खेलता है, ये प्लेयर ही क्यों दोस्तों इस बार सैयद मुस्तफा अली ट्रॉफी में इसका प्रदर्शन 5 मैच में 11 विकेट है। और सबसे बढ़िया चीज़ तो दोस्तों उन्होंने 8 रन खर्च करते हुए 5 सफलता अपने नाम किया था। और इस क्रिकेटर का उम्र केवल 28 साल है और ये बाएं हाथ का तेज गेंदबाज है जो चेन्नई सुपर किंग में बहुत ही कम है। दोस्तों यहाँ पे आप सब जानते हैं शेन वाटसन रिलीज क्योंकि वो रिटायर कर चुके हैं, तो उनके जगह पे कौन हो सकता है? यहाँ पे बहुत सारे नाम दोस्तों निकल के आते हैं। सबसे पहले नाम आते हैं दोस्तों यहाँ पे ग्लेन मैक्सवेल। हाँ बिल्कुल ग्लेन मैक्सवेल, क्योंकि एक ऑस्ट्रेलियन रिलीज हुआ तो ऑब्वियसली एक ऑस्ट्रेलियन अच्छे प्रदर्शन करने वाले आ सकते हैं, नहीं तो दोस्तों चेन्नई सुपर किंग चाहे तो जेसन रॉय इनको खरीद सकते हैं, नहीं तो दोस्तों या फिर चेन्नई सुपर किंग टॉम बेंटन, नहीं तो दोस्तों स्टीव स्मिथ को भी खरीद सकते हैं। ये बहुत सारे विकल्प हो सकते हैं, बट हाँ आप सबका राय पढ़ने के बाद मेरे को लगा सबसे बड़े विकल्प हो सकता है डेविड मलन। ठीक है, तो दोस्तों मैंने यहाँ पे शेयर किया बहुत सारे नाम और इसमें से अपना पसंदीदा भी कॉमेंट करके शेयर करिएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे नाम आते हैं हरभजन सिंह का रिप्लेसमेंट। यार हरभजन सिंह जितने टैलेंटेड और महान इंसान थे एक्चुअली है, तो उनका रिप्लेसमेंट करना नामुमकिन है। मैच जीता पारी उन्होंने लंबे देर तक खेला है, इतने सारे आईपीएल मुकाबले खेलने का अनुभव है, तो ऑब्वियसली उनको रिप्लेसमेंट हो ही नहीं सकता है। अगर आप बोलेंगे तो मेरे को लगता है एक क्रिकेटर हो सकते हैं जो ऑब्वियसली इंडियन नहीं है, फॉरेनर है, सकीब अल हसन। T20 का बहुत ही शानदार प्रदर्शन अभी बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ के बीच में उन्होंने दिखाया है, जहाँ पे उनको 4 सफलता हासिल हुआ है, केवल 5 रन पे 4 विकेट उन्होंने काल लिया था। फिर दोस्तों इससे पहले तो बहुत सारे T20 मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स, सनराइज हैदराबाद का टीम का होकर अच्छे प्रदर्शन किया था। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे जो जो प्रोबेबल चांसेस हो सकते हैं वो मैंने शेयर किया, आप प्लेयर बाय प्लेयर कॉमेंट करके बताइए इन क्रिकेटर की जगह पे इन क्रिकेटर को लेना चाहिए। अगले वीडियो में मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन देखने के बाद आप सबका नेम वाइज वो शेयर करूंगा। तो चलिए मैं अभी आपको प्रीवियस वीडियो के नीचे जो आप सबने कमेंट किया था उनका जवाब देता हूँ। पुष्कर जी, आपको कमेंट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने एक्चुअली आपके कमेंट के ऊपर बेस करके ही आज इस वीडियो बनाया है। मैंने यहाँ पे कोशिश किया है, इतने सारे क्रिकेटर को CSK टीम आप टारगेट कर रहा है, तो ज़रूर आप भी अपना महत्वपूर्ण राय कमेंट करके शेयर करिए। क्या आप मेरे बातों के साथ एग्री है कि नहीं? मधु जी, एक बार फिर से आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ। RR जयदेव उनडकट को रिलीज़ नहीं किया है, ये उन लोगों का पर्सनल ओपिनियन है, इनके बारे में मैं क्या कमेंट करूँ। शायद और कोई बाएं हाथ का तेज गेंदबाज इंडियन टीम में नहीं है जो रिलीज हो सकता है, उन लोगों को लग रहा था, इसलिए शायद 2022 के लिए वेट कर रहा है। अब पीहू जी अपने बहुत सारे कमेंट किया है, करण शर्मा ब्रावो के मसीब को देखिए। पीहू जी एक्चुअली 2022 के लिए थोड़ा सा इंतज़ार करिए, ये सारे क्रिकेटर और को ऑब्वियसली CSK टीम चेंजेस कराएगा। अनिश जी बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए। राज जी, IPL ऑक्शन कब होगा? मेरे हिसाब से 11 फरवरी होना चाहिए, बहुत सारे न्यूज़ में मैंने देखा है। पीयू जी थोड़ा सा इंतज़ार करिए, CSK टीम अच्छा ही करेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।